दोस्तों टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों आज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बिहार पुलिस में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताया था। अब मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ गई हूँ। महाराष्ट्र पुलिस में आई है 1847 वैकेंसीज और जो जॉब निकली है वो है कांस्टेबल की। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपने 12वीं तक की पढ़ाई की हो तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र पुलिस में आई हुई कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया है 1847 है, तो जो वैकेंसीज की कैटेगराइजेशन है वो डिस्ट्रिक्ट एंड रेलवे पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की है 1019 वैकेंसीज और एसआरपीएफ आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल की है 828 वैकेंसीज। अब आपको मैं बताऊँ इसको अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है। आपने सिर्फ और सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की हो और जो आपने 12वीं की है किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से की होनी चाहिए। और अगर एज लिमिट की बात करें तो जिन लोगों ने कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करना है उनकी जो एज है वो 19 से 28 इयर्स के बीच होनी चाहिए और जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है उनकी जो है मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25 इयर्स होनी चाहिए और जो एज रिलैक्सेशन है वो एप्लीकेबल एज पर द रूल्स है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है महाराष्ट्र पुलिस ने रखा है। यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो एक ऑनलाइन एग्जाम के बेस पे होगा, मतलब आपको अच्छे से तैयारी करनी है, आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम के लिए अपेयर होना पड़ेगा। और जो एप्लीकेशन फी है ओपन कैटेगरी के लिए वो है 450 रुपए और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए वो है 350 रुपए। देखिए दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तुरंत हमारी अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। यहाँ पे जो आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है वो 2 दिसंबर 2019 शाम 7 बजे से, मतलब आज शाम 7 बजे से लेके 22 दिसंबर 2019 तक जो है आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन सबमिट होना है। तो दोस्तों ये तो थी महाराष्ट्र पुलिस में आई हुई वैकेंसी की पूरी जानकारी। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से dailynaukri.com के लिंक पर क्लिक करें जहां पर जाकर आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हो और ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स लेकर आते हैं।